नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के गढ़ा थाना प्रभारी ने आज अपने इलाके गुंडे बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी क्लास लगाई। साथ ही हिदायत दी है कि अगर किसी भी तरह की बदमाशी या फिर गुंडागर्दी हुई तो तुम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। थाना प्रभारी ने बदमाशों की क्लास लगाते हुए कहा कि ये तुम लोगों की ही कर्मों का फल है जो कि अब अपराधी के रूप में निकल रहा है। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में जो भी व्यक्ति बदमाश या फिर गुंडागर्दी करते हुए दिखता है तो तुरंत थाने में आकर सूचना देने का काम करेंगे। थाना प्रभारी नीलेश धौरे ने थाना स्टाफ के भी निर्देशित दिए हैं कि बदमाशों पर नजर बनाए रखे। जबलपुर का गढ़ा क्षेत्र जो कि चाकूबाजों का गढ़ बन गया है, बीते कुछ माह में ही इस इलाके में 25 से ज्यादा चाकूबाजी की घटना हुई है। इतना ही नहीं, बम कांड भी यहां पर आए दिन हो रहे हैं। क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपराधिक घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। यही वजह है कि थाना प्रभारी को बदमाशों को थाने बुलाकर उसकी क्लास लगानी पड़ी। थाना प्रभारी नीलेश धौरे का कहना है कि एसपी के निर्देश पर बदमाशों के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हर सप्ताह थाने में उपस्थित होना पड़ेगा बदमाशों को। शनिवार को थाना प्रभारी नीलेश धौरे ने करीब एक दर्जन बदमाशों को थाने बुलाया और क्लास लगाते हुए हिदायत दी है कि क्षेत्र में अगर बदमाशी होती है तो इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे। थाना प्रभारी ने सभी बदमाशों से कहा कि अगर कहीं भी कोई अपराध होता है तो तुरंत सूचना थाने में दे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में गुंडा और निगरानी बदमाश की परेड कराई जाए और वो थाने को उपस्थित रहें ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्षेत्र में ही है, कहीं इनकी गतिविधियां संदिग्ध तो नहीं है। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जाए और इनको इस बात की हिदायत दी जाए कि सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन करें। यदि किसी भी प्रकार की बदमाशी करेंगे तो इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनको समझाइश ये इस प्रकार से दी गई है कि यदि किसी प्रकार का, यदि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करते और विगत आगामी समय में 3-4 साल तक किसी प्रकार का अपराध नहीं करते हैं तो आपका फिर गुंडा बदमाश से नाम पता करके माफी में लेकर आएंगे और आप सामान्य तरीके से जीवन यापन करके एक अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।